कुछ समझ में आया? नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या फॉल्ट पड़ गया जो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मरी थोड़ा ही दूर रह गया था, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब करना क्या है? ओ तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ भाई साहब? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मरी मैं अपनी वर्कशॉप है, मैं खुद मैकेनिक हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं गाड़ी चेक करूँ। नहीं नहीं रहने दो भाई, चलें आपकी मर्जी। क्या था, गाड़ी ठीक करवा लेते उससे। बेगम तुम नहीं जानती मरी के लोगों को, इसने एक फॉल्ट ठीक करना था, खुद से दो डाल के अपनी दिहाड़ी सीधी कर लेनी थी। मुझे याद है जब पिछली दफा मैं मरी आया था ना, मैकेनिक ने इसी तरह दो नंबरी की थी मेरे साथ। तुम परेशान ना हो, फैसल भाई मरी में रहते हैं, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ, वो आपको अच्छा सा मैकेनिक भेज देंगे। तुम गाड़ी में बैठो। कुछ करे ना, शाम भी होने वाली है, ऊपर से जंगल इतना घना है, मुझे तो डर लग रहा है। तब से फैसल भाई को कॉल कर तो रहा हूँ, उनका नंबर ही नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। आपको तो पता है मैं शुगर की मेडिसिन लेती हूँ, और मेडिसिन मैं घर भूल आई हूँ, अगर टाइम पर मेडिसिन ना ली तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैंने पूछा था कि हर चीज रख ली है, तुमने कहा था हाँ रख ली है, अब मेडिसिन घर भूल आई हो। वो जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा। वो ही मैकेनिक आ गया। शाम होने वाली है, ये अभी तक गए नहीं, लगता है ना मैकेनिक नहीं मिला। जी भाई साहब, कोई मैकेनिक नहीं मिला। ओ भाई साहब, शाम होने वाली है, घना जंगल है, मैं कर देता हूँ ठीक। हम मजबूर है, उठा ले जितना हमारी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। चलो ठीक है, ठीक है भाई साहब, चेक कर लें क्या क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है। ये भाई साहब करें स्टार्ट। अच्छा भाई साहब, जी भाई साहब कितने पैसे हुए? भाई साहब आपकी गाड़ी में कुछ ज्यादा मसला नहीं था, बस एयर प्रेशर पाइप लूज था जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाकी रही बात पैसों की, आप हमारे मेहमान हैं, काबिल इज्जत हैं, इतने से काम के क्या पैसे लेने। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमें तो ये था कि मरी के लोग लूटते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया बहन, लेकिन एक बात याद रखना, सब लोग एक जैसे नहीं होते, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। अब अपनी गाड़ी में बैठे और जाए खैर खैरियत से। बहुत शुक्रिया भाई साहब, पता नहीं आपके एहसान का बदला कैसे उतारेंगे। बस भाई साहब, आप भी इंसानियत की खातर किसी मजबूर की मदद कर देना, ताकि इंसान का इंसानियत पे भरोसा कायम रहे। जी ज़रूर इंशाल्लाह भाई। लो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।